तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक मासूम बच्चे समेत दो लोग की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पल्लवपुरम क्षेत्र के रहने वाला सर्वेश अपनी मां के साथ एक शादी समारोह में गाजियाबाद से लौट रहे थे। इसी दौरान दिल्ली मेरठ हाईवे पर मोहीउद्दीन के पास एक तेज रफ्तार रोडवेज बस आ रही थी, तभी रोडवेज बस की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे और उसकी मां की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तो कल परतापुर में एक बाइक पर दो महिला और एक पुरुष और एक बच्चा था, वो आ रहे थे, ओवर स्पीडिंग के शिकार थे, एक पेड़ में टकराए, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई, एक घायल महिला का इलाज हो रहा था। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।